फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म भरे। तो दोस्तों बता दें आपको, यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से जो आपका फॉर्म चल रहा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ यहाँ पे संशोधन किया गया है। जैसा कि आप अगर आप LLB के फिफ्थ सेमेस्टर मतलब फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एक और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि अगर आप मान लीजिए स्टेट बार के काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैं अपने फॉर्म में भर के दिखाऊंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है वो आपको वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन जो फॉर्म दिया गया है, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं, उसमें आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के फिल करके प्रिंट आउट करके उसको भर के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लास्ट में जहाँ आपका इनरोलमेंट आपका सर्टिफिकेट अपलोड होता है वहाँ पे आपको वो अपलोड करना है। और कुछ चेंजेस इसमें कई किए गए हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन के बाद कैसा प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको अपने वीडियो में बताऊँगा। तो चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप के वीडियो में और स्क्रीन पर दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है AIP, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों जो सबसे पहली वेबसाइट खुलती है वही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन फ्रंट पे आ जाएंगे। सबसे पहले भरने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जानकारी ये बता दूंगा दोस्तों, अगर आप जैसे फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं या आपने पास आउट कर लिया है तो आप क्या करेंगे, एक से पांचवे या छठवें सेमेस्टर तक जितनी मार्कशीटें हैं आपको सारे अपलोड करने हैं, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि आपका नीचे साइन होना जरूरी है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट करके उसको भर के फिर आपको डिक्लेरेशन में भरना है। वो कैसे भरना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन अंडरटेकिंग, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अंडरटेकिंग या मैं अपने जो है यहाँ पे अंडरटेकिंग AIB, ठीक है, और नोटिफिकेशन मिल जाता है। अंडरटेकिंग मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे भरना है, ठीक है। अंडरटेकिंग यहाँ पे आपको खोल लेना है। जैसा कि अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ओपन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से यहाँ पे खोलना है, तभी आपका यहाँ पे ओपन हो पाएगा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा जो मैंने अपना अंडरटेकिंग खोला यहाँ पे खुल गया है। आई अपना नाम लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ द गेम, जैसे आई अमन कुमार नाम, उसके बाद सन ऑफ श्यामलाल फादर्स का नाम रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेंट अपना डाल देना है, जो आपका एड्रेस है वो पूरा डाल देना है, ठीक है। उस पर दोस्तों ये चीज़ आपको मिल जाता है, आई एम फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लास्ट स्टूडेंट विथ नो बैकलॉग, ठीक है। ये चीज़ आपका जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है वो है। उस पर दोस्तों ये दो सेकेंड वाला है, आई हैव कम्प्लीट माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विथ नो बैकलॉग एंड अवेटिंग माई रिजल्ट। अगर आपने फाइनल ईयर का जो है अपने एग्जाम दे दिया और वेट कर रहे हैं हमने फाइनल रिजल्ट का, तो आप सेकंड वाला यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपको लिखना है, या तो आप इसके आगे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो आप एक काम करिएगा इसका प्रिंट आउट करिएगा, ये सेकंड वाले पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे टिक कर दीजिएगा, हाँ मैं ये सही, ठीक है। बाकी इनमें से आप चौथा ऑप्शन ये मिलता है कि आई एम लॉ ग्रेजुएट, मतलब आप लॉ ग्रेजुएट हैं लेकिन करेंटली एम्प्लॉयड हैं, इसलिए आप यहाँ पे जो है यहाँ पे कर नहीं पाए। अब तो आपको यहाँ पे सर्विस का अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे थर्ड नंबर, आई एम लॉ ग्रेजुएट हैव नॉट एनरोल्ड, मतलब आप ग्रेजुएशन जो LLB है, जो आपका LLB है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन आपने जो है इनरोल नहीं किया है, ठीक है, किसी बार काउंसिल में, तो आप थर्ड वाला ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये अंडरटेकिंग आपको मिल जाता है, आपको सिग्नेचर करना, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट और प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन, ईमेल आईडी आपको दोनों डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया कि आपको एक से पांच सेमेस्टर तक मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ, होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे ये आपको यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया, वहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू कैंडिडेट है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आइएगा, उसके बाद नाम लिखिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी,
ठीक है। और एज पर आधार जो आपका नाम रहेगा, एज पर आधार रहेगा रजिस्ट्रेशन में, और आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमन है तो कैपिटल ए रखिएगा, बाकी स्मॉल MEN@123, ऐसे सिंपल सा पासवर्ड आप क्रिएट करिएगा। बहुत लेंथी पासवर्ड आपको क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका OTP आएगा। अब OTP आपके मेल पे आएगा लेकिन आप वहाँ पे खोज नहीं पाएंगे तो आप परेशान होंगे, तो आपको बता दें वहाँ पे जीमेल में जाएंगे तो स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें आपका आता है, ठीक है, OTP। वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दिया हूँ पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन वाले सेक्शन में जाता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं आपको पूरा जानकारी कैसे बताएंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको अपना यहाँ पे मेल आईडी या फोन नंबर कोई एक एंटर कर लेना है, ठीक है, पासवर्ड एंटर कर लेना। जैसा कि मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एग्जांपल तौर पे, आप इसकी कॉपी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि मैं एग्जांपल तौर पे ये सब बनाया हूँ, ठीक है। उसके बाद लॉग इन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं किसी का फॉर्म भरा हूँ तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अब लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपका मेल आईडी फोन नंबर रहेगा, फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट। और दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आपका जब फॉर्म होगा, नेम एज रिकॉर्ड इन द इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिला नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका जो हाई स्कूल का बेस है आधार में जो मैं है वही आप डालिएगा, ठीक है। अगर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट तो आप इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जनरल OBC SC है ये क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड कर देना है, मेल है फीमेल ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मेल फीमेल है वो सेलेक्ट करना है। डू यू बिलोंग डिफरेंटिएबल, मतलब आप दिव्यांग है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिए। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन आ जाता है, आर यू कैंडिडेट विदाउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट फाइनल ईयर 3 ईयर 5 ईयर। तो अगर आप नो कर देंगे तो नो करने का मतलब कि आपने इनरोल कर लिया है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट तब आपका रिक्वायर्ड होगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है। यहाँ पे ये फाइनल ईयर सेमेस्टर के लिए है, जो आपने फाइनल ईयर में है वो। और दोस्तों आई हैव कम्प्लीट माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम नो बैकलॉग, तो ये जो अपना LLB कम्प्लीट कर चुके हैं वो उनके लिए है, ठीक। और ये जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए है। और दोस्तों आई एम लॉ ग्रेजुएट हैज नॉट एनरोल्ड बार काउंसिल, आई हैव नॉट ऑप्टिंग LLB डिग्री इस टाइप, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो LLB कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं फाइनल ईयर पे चलता हूँ। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के यहाँ पे कैंडिडेट टाइप रिपीट और फ्रेश क्या है, जो पहली बार भर रहे हैं वो फ्रेश है, जो एक दो बार भर चुके हैं वो रिपीटेड कैंडिडेट है। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बस फादर और मदर का नेम यहाँ पे, फिर एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना, पूरा हर चीज जो भी आपका एड्रेस है, सिटी कौन से और पिन कोड वगैरह डाल के ये दोनों पे क्लिक करने से आपको दोनों का सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप चूज पेपर कौन से, हिंदी इंग्लिश असमी और गुजराती किस में देना चाहती है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीनों प्रेफरेंस अपना डाल देना है, किसका, एग्जाम सिटी का, ठीक है। एग्जाम सिटी का डालने के बाद फिर आपको सेम प्रोसीड पे, अब यहाँ पे दोस्तों मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स डाल देंगे पूरा हर चीज़ की, इंस्टीट्यूट क्या है, यूनिवर्सिटी बोर्ड क्या है, और सब्जेक्ट में आप पूरा सब्जेक्ट में डालिएगा, आर्ट स्ट्रीम है, साइंस है, मैथ ये है, ये अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट और LLB का मार्कशीट। अब LLB का यहाँ पे क्या करेंगे, आप 2024 यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे 2024 का, तो आप 2024 यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2024 तक मिलता है तो यहाँ पे 2024 क्लिक कीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सारी मार्कशीटें हैं आपकी सेमेस्टर वाली, तो आपको सारे सेमेस्टर पे साइन करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। आप रिसाइज करना कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें बताइएगा, आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपका रिसाइज करके पूरा दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो और साइन पे आ जाते हैं। फोटो साइन आपका ये मैं सिंपल पे तौर पर रखा हूँ, आप इसको कॉपी बिल्कुल ना करें। आपका कोट और आपके कोट में रहेगा आपका जो फोटो है, ठीक है। आप वकील की तरह जैसे आपका कोर्ट में रहता है फोटो, वैसे आप यहाँ पे एंटर किए वो डालेंगे। तो दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर्म, अब जैसे मैंने अंडरटेकिंग फॉर्म बताया था, अब यहाँ पे आपको फाइल यहाँ पे अपलोड करना है। अंडरटेकिंग अगर नहीं डाउनलोड किया फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरटेकिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर से डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड करके फिर ये प्रिंट आउट करके आपको फॉर्म मतलब इसको भर के फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ,
तो यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आप इसका प्रीव्यू देख लीजिएगा और इसको डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा, लेकिन आपको प्रीव्यू देख के तभी सबमिट करना है, ठीक है। और पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में, कुछ भी नहीं समझ आता टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, मैं सारा आपका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा डाउट, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।